अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज हमारी माशाल्लाह से चौथी सहरी स्टार्ट हो चुकी है और बच्चे सहरी रोज़ा रख रहे हैं, और आज मैंने इनको परांठा बना के दिया, साथ में मिक्स सब्जियों का सालन है। और हमको यहाँ लग चुकी थी कल चोट, लेकिन फिर भी देख लें माशाल्लाह से वो रोज़ा रख रहा है। बच्चों में यही जज्बा होना चाहिए, इनको इस्लाम का पता होना चाहिए। माशाल्लाह से उसने एक भी रोज़ा नहीं छोड़ा, आज माशाल्लाह से उसका चौथा रोज़ा है। तो गाइस ये देखें, मैंने अपने लिए परांठा बनाया है और साथ में सालन है और साथ में ये चाय बन रही है। तो आपसे मिलते हैं सहरी के बाद। तो गाइस आज हम सबका रोज़ा है चौथा, तो उसके लिए मैं आज आलू चने बना रही हूँ। बिल्लियाँ तो रोज़ बनती थी, तो मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट हो जाए, आज हम आलू चने बना रहे हैं। तो आपसे ना पकौड़ों की रेसिपी शेयर करते हैं। ये मैंने आलू लिए, आलू इस शेप में काट लेने, बारीक मोटे मोटे नहीं करने। हम इसमें आलू डालेंगे पहले। अब ये मैंने पालक भी धोई है, अब ये पालक सारी डाल देंगे इसमें। पकौड़ों में पालक ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, पालक के बगैर तो पकौड़े अच्छे नहीं लगते। इसमें हमने बेसन ऐड करना है, इसमें हम अजवाइन डालेंगे, इसमें हम मीठा सोडा डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे और नमक अपने हसबे जायका डालेंगे, एक चम्मच काफ़ी है। अच्छा, लाल मिर्च भी ऐड करेंगे हम इसमें, सूखा धनिया भी इसमें ऐड करेंगे। अभी इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर देना। तो गाइस देखें, हमारे आलू चने भी हो चुके हैं रेडी। अब पकौड़े तलने के लिए हम ऑयल गर्म करते हैं, फिर पकौड़े तलते हैं। तो अफ्तारी के टाइम में बहुत कम टाइम रह गया था, तो देखें हम पकौड़े निकाल रहे गर्म गर्म। ये पकौड़े निकाल चुके हैं, अभी से रोज़ा खुल गया। अब्दुलरहमान तो अपना रोज़ा खोल रहा है अभी से ही।